फ्रेंडशिप डे, मित्रता दिवस। सोशल मीडिया पर आज गुड मॉर्निंग के मैसेज के साथ ये बड़े जोर से चल रहे हैं। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। आज बात करेंगे फ्रेंडशिप डे पर, मित्रता, एक ऐसा भाव जो कहीं ना कहीं वो एहसास देता है कि आप जिंदगी के तूफानों में अकेले नहीं होते, कोई तो आपके साथ होता है। मित्रता कहने को लोग कहते हैं कि ये रिश्ता है, लेकिन मित्र तो फरिश्ता होता है। ये रिश्ता नहीं होता, ये भाव होता है। ये दिल के साथ जुड़ा बहुत गहरा एहसास होता है, जिसमें आप किसी को चाहते हैं, इतना चाहते हैं कि कई बार आप उसके दुख को देख करके उसके दुख अपने लिए मांग लेते हैं और अपनी खुशियां उस पर न्योछावर कर देते हैं। जरूरी नहीं होता कि ये परिवार का हो, खानदान का हो। कई बार परिवार से बहुत दूर आप जिससे मिलते हैं विश्वास करने लगते हैं और मन की सब कुछ कहने लगते हैं। ये ऐसा भाव है जहां पर शायद कोई मर्यादा नहीं है, जहां पर अधिकार है। आप जिसे मित्र कहते हैं, मित्र समझते हैं, अगर आप उसकी कहीं गलती देखते हैं तो आप रोकने का अधिकार रखते हैं, आप उसे टोकने का अधिकार रखते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने इसे आज नहीं रोका तो ये गलती आपके दोस्त के लिए बड़ा जख्म बन सकती है। मित्रता रिश्तों में भी होती है, चाहे वो बाप बेटे का भी रिश्ता क्यों ना हो। जब प्रियता का भाव किसी भी रिश्ते में जुड़ता है तो उस प्रियता के भाव के साथ कहीं ना कहीं मित्रता भी आ जाती है। वो चाहे भाई बहन हो, वो चाहे पति पत्नी हो, भाई भाई हो, देवर भाभी हो, ननंद भाभी हो, सास बहू हो, जहां पर भी आपके मन में इस बात का भाव आ गया कि मुझे इसको यहां पर रोकना है। एक बाप जब अपने बेटे की गलती देख करके उसे रोकता है तो वो सिर्फ बाप का अधिकार नहीं होता, उसके अंदर जहां प्रियता का भाव आ जाता है वहां उस भाव के साथ अंदर ही अंदर अप्रत्यक्ष रूप से एक मित्र का भाव भी आ जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि मित्रता कोई रिश्ता नहीं है, ये तो भाव है और बहुत गहरा भाव है जो किसी रिश्ते का मोहताज नहीं है और ये सब रिश्तों से ऊंचा है, क्योंकि ये सब रिश्तों से पक्का है। अक्सर खून के रिश्ते दगा दे देते हैं, लेकिन सच्चा दोस्त आपको उस वक्त थाम लेता है जब ये दुनिया आपके लिए वीरानी से लगने लगती है, जब आपकी कश्ती डूबती दिखती है और आपको लगता है कि बस अब कुछ नहीं बचा, तब हवा के झोंके की तरह कोई हाथ आता है आपको सहारा दे करके आपकी डूबी हुई कश्ती को किनारे पर लेकर के चला जाता है। ये वो रिश्ता है साहब,
जो रिश्तों में सबसे बड़ा है अगर इसे रिश्ता कहा जाए और अगर इसे भाव कहा जाए तो शायद कहीं ना कहीं ये उस ईश्वर की इबादत के समकक्ष खड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप प्रेम करते हैं, यहाँ पर आपके साथ प्रियता का भाव जुड़ता है, यहाँ पर आप स्वार्थ से ऊपर होते हैं, यहाँ पर आप सामने वाले के लिए अच्छा ही अच्छा सोचते हैं। इसलिए ये एहसास बड़ा है, ये भाव बड़ा है, और इसके लिए शब्द छोटे पड़ सकते हैं पर भाव कभी छोटा नहीं पड़ सकता। इसमें अधिकार भी बड़ा है, इसमें आह्लाद भी बड़ा है। फ्रेंडशिप डे इसकी बहुत बड़ी महत्ता है, इसलिए मेरा ये निवेदन है कि सिर्फ इसे औपचारिक रूप से मत बनाइए। अगर आप किसी को भी फ्रेंडशिप डे का मैसेज दे रहे हैं तो फिर दिल से दीजिए, दिमाग से नहीं, क्योंकि दिमाग अक्सर स्वार्थ की बात सोच लेता है और दिल स्वार्थ की बात को करीब ही नहीं आने देता। वो फिर जिसके लिए सोचता है उसके लिए सब कुछ कुर्बान भी कर सकता है। तभी इस भाव ने मित्रता के इस पहचान को बहुत बड़ा बना दिया है, और ये भाव हर रिश्ते में रहता है, लेकिन जब रिश्ते में कसमसाहट होती है, ऐसा लगता है कि कोई जख्म की तरह कुछ रिस रहा है, तब उस रिश्ते में से मित्रता का भाव भी गायब हो चुका होता है। जिस रिश्ते में मित्रता यानी प्रियता का भाव जुड़ जाए वो रिश्ता फिर कभी दगा नहीं दे सकता, यानी मित्रता के इस भाव में जिसे आप रिश्ता कहते हैं वहां पर कोई धोखा नहीं हो सकता, और जहां पर धोखा होता है फिर वो सामने वाला मित्र नहीं हो सकता। इसलिए अगर मित्रता की आड़ में खुदगर्जी का साथ है तो कृपया इस रिश्ते को दाग मत लगाइएगा, क्योंकि ये रिश्ता ये भाव अपने आप में इतना बड़ा है कि जहां पर आंख मूंद कर विश्वास किया जा सकता है, इस विश्वास को टूटने न देना ये आपका दायित्व बनता है। अगर आप किसी को भी अपना मित्र कहते हैं तो व्यूअर्स, सोशल मीडिया पर आज जिस तरह से संदेश चल रहे हैं उन संदेशों को सुनने के बाद मुझे लगा कि मित्रता को परिभाषित करना चाहिए और दिल में जो भाव आए वो आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की है। अगर आपको लगे कि मित्रता के शब्द को ये अभिव्यक्ति सार्थक कर रही है तो फिर अपने मैसेज अपने संदेश जो आप अपने मित्र को दे रहे हैं उसमें इस वीडियो के लिंक को भी आप दे सकते हैं, क्योंकि आपके मित्र तक ये वीडियो की लिंक कहीं ना कहीं आपकी बात को पहुंचाएगी।